फरवरी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2019 को किस राज्य में क्राइंग स्नेक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येशो नाइक ने 13 फरवरी 2019 को ई औषधि पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2016 किस राज्य की अनुसूचित जनजाति ST की सूची को संशोधित करेगा? तो ये संशोधित करेगा छत्तीसगढ़ राज्य की, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी 2019 को केंद्रीय शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है सऊदी अरब के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2019 से अगले कितने वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यकाल के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 3 वर्षों के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी 2019 को बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है फिनलैंड देश के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 फरवरी 2019 को काउंटर टेररिज्म पर संयुक्त कार्यदल की स्थापना के लिए भारत और किसके बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भारत और मोरक्को के साथ, यानी इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2019 को आयोजित क्लीन एयर ग्रीनर इकोनॉमी विषय वस्तु के साथ तीसरा इंडो जर्मन पर्यावरण मंच कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, यानी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2019 किस प्रकार के लोगों के अधिकारों को बनाए रखने का प्रयास करता है? तो ये प्रयास करता है कुष्ठ रोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन क्षेत्र में संकुचन और विनिर्माण क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण दिसंबर 2018 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितने % रहा था? तो ये रहा था 2.4%, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में खुदरा मुद्रा स्फीति में कितने % की मामूली गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 2.05% की, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2019 को टोपची अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोपची अभ्यास जो है ये आयोजित किया गया था नासिक में, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 10,000 कर्मियों और 29 देशों के प्रतिभागियों के साथ किस देश में कोबरा गोल्ड अभ्यास के 38वें संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है थाईलैंड देश में, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया सिद्धार्थ लाल को, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2019 को इंडिया स्पीयर हाइडिंग क्लाइमेट सॉल्यूशन शीर्षक वाले एक प्रकाशन को किसने जारी किया है? तो जारी किया है हर्षवर्धन ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2019 को नेशनल कैरियर एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो CMD के रूप में नियुक्त किया गया अश्विनी लोहानी को, यानी इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विधेयक उन गरीब लोगों की रक्षा करेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और विभिन्न योजनाओं में कम मात्रा में पैसा लगाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अनियमित जमा योजना विधेयक 2018, यानी इसका करेक्ट आंसर है थर्ड।